आज कुछ कविताएं कृति बहुमत में अमिताभ चौधरी जी की पढ़ते पढ़ते आपको सुनाने की इच्छा हुई। पहली कविता है चील के झपट्टे में। चील के झपट्टे में मेरा कितना मास है, यदि मैंने अपनी मरणासन्न स्थिति में देह को शिथिल छोड़ दिया है कि मेरे प्राण सुखी रहो, यह भी सोचो कि मैंने चील की भूख से अपना पेट भरा है, तब यह प्राण उड़ने को हुए हैं, अन्यथा मैं मनुष्य हूँ। अगली कविता है ओ नदी कहाँ हो। अंत में बुर गई एक नदी पर मैं प्यास में आकंठ डूबा खड़ा हूँ, चारों ओर व्याप्त इस मरुस्थल में मेरी छाया के अतिरिक्त यदि और कुछ है तो मुझे दिखाई नहीं देता। विगत अरण्य के आशय को प्रकट करते एक बीज का आभास भी नहीं कि मैं पुकारूं ओ नदी कहाँ हो, कहाँ हो मेरी प्यास की उर्वर भूमि, देखो देखो कि मैं तुम्हारे लिए कंठ भर हो गया हूँ, मैं यहाँ इतना आवरणहीन हूँ कि कोई मुझे देख ले तो क्या समझे। अगली कविता है पीड़ा का अंत नहीं। पीड़ा का अंत नहीं है प्रिय, वह देखो एक नवजात की किलक सुनकर, बांझ स्त्री के स्तनों में दूध उतर आया है, देखो प्रिय दूध के दाब से फटते स्तनों को वह अपने हाथों चुआ रही है, अपनी रिक्त गोद में वह कितने बच्चे खिला रही है, देखो। ये कविताएं अमिताभ चौधरी जी की थी, कृति बहुमत के जनवरी अंक में मैंने पढ़ी, आपसे साझा किया। शुक्रिया।